फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल नन्हे किड्स आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश वर्कशीट इस वर्कशीट की हेल्प से आप बच्चों को घर पर बहुत ही अच्छे से ग्रामर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड्स यहाँ पर बच्चों को इन वर्ड्स को अरेंज करते हुए एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जैसे हमारा फर्स्ट है ब्लू फ्रॉक द बरिंग अ गर्ल वॉज तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है अ गर्ल नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है वॉज अ गर्ल वॉज अब हमारी मेन वर्ब है वियरिंग अ गर्ल वॉज वियरिंग द ब्लू फ्रॉक तो ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया सेकेंड है हमारा ब्राइटली द सन शाइनिंग वॉज यहां फर्स्ट हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है द सन ट यहाँ पर बच्चों को इस पेडिकेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट फिल करना है क्लाइम द ट्री वेरी इजिली तो पेड पर पे इजिली कौन चढ़ सकता है तो हमारा सब्जेक्ट होगा मंकी मंकी क्लाइम द ट्री वेरी इजिली नेक्स्ट है डैश स्टॉप एट दिस स्मॉल स्टेशन स्टेशन पर क्या चीज स्टॉप होती है तो वो होती है ट्रेन द ट्रेन स्टॉप एट दिस स्मॉल स्टेशन क्वेश्चन थर्ड राइट अगेंस्ट ई सेंटेंस इट्स काइंड यहां पर बच्चों को जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे हैं उसके काइंड लिखने हैं कि वो किस टाइप का सेंटेंस है नेगेटिव अफॉर्मेटिव इंटेरोगेटिव इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो बच्चों को है लिखने हैं डू यू लाइक स्विमिंग जैसे कि आप देख रहे हैं या क्वेश्चन मार्क बना हुआ है तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है सेकंड है फिश डू नॉट फ्लाई तो यह नॉट लिखा है जब भी नॉट या नो no, इस तरीके का वर्ड अगर सेंटेंस में यूज होता है तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं थर्ड है हमारा शी राइट्स अ लेटर ये स्ट्रेट एंड सिंपल सेंटेंस है तो इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं क्वेश्चन फोर चेंज सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव इस सिंपल सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है ही कैन लीव नाओ जो भी इस तरीके के वर्ड्स होते हैं उन्हें हम फर्स्ट लिखते हैं कैन देन हमारा सब्जेक्ट आएगा कैन ही लीव नाओ और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा वी कूड रन फास्टर तो कूड हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे कूड देन हमारा सब्जेक्ट रन फास्टर इट इज रेनिंग आउटसाइड हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखेंगे इज इट रेनिंग आउटसाइड क्वेश्चन फिफ्ट राइट द नाउंस कॉमन के लिए यहाँ पर हमें सी का यूज़ करना है प्रॉपर के लिए पी का एंड कलेक्टिव के लिए सी ओ एंड मेटेरियल नाउन के लिए एम एंड एब्सट्रैक्ट नाउन के लिए हमें ए का यूज़ करना है जितने भी मैंने यहाँ सेंटेंस लिखे हैं इसमें से हमें अपनी नाउन फाइंड आउट करनी है फर्स्ट सेंटेंस हमारा द चेयर इज मेड ऑफ वुड तो ये हमारी मेड ऑफ वुड से बनी है इट मीन्स ये मेटेरियल नाउन है तो यहाँ हम एम का यूज़ करेंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ये हमारा एकदम प्रॉपर नाउन है तो इसलिए हम इसे पी से इंडिकेट करेंगे अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज कमिंग जब कोई चीज़ ग्रुप ए होती है तो वो हमारी कलेक्टिव नाउन कहलाती है तो यह हम सी ओ का यूज़ करेंगे कलेक्टिव नाउन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ये हमारी एबस्ट्रेक्ट नाउन है तो इसके लिए हम ए का यूज करेंगे माई मदर इज़ अ टीचर ये एक सिंपल नाउन है इट मीनस कॉमन नाउन है तो इसके लिए हम सी का यूज करेंगे तो इस तरीके से आप बच्चों को कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव मेटेरियल एब्रेक्ट नाउन सिखा सकते हैं क्वेश्चन सिक्स राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं बच्चों को उसमें से करेक्ट वर्ड लिखकर अपने फिलअप को कम्प्लीट करना है इंडियन डैश वुमेन वुमेन ऑफन वियर साड़ी जो इंडियन होती है वो अक्सर साड़ी वीयर करती हैं तो यहाँ पर वुमेन आएगा डब्ल्यू ओ एम ई एन सेकेंड सेंटेंस है द फ्लाइज तो यहां पर आएगा इज है मतलब एक city के बारे में बात हो रही है द लैम तो यहां लिखा मीन एक वॉल्फ की बात हो रही है तो यहां आएगा क्वेश्चन सेवन राइट चेंज द जेंडर यहाँ पर बच्चों को इनको जेंडर चेंज करना है जैसे फॉक्स का होगा टाइगर टाइग्रेस टी आई जी आर ई टबल एस यहाँ पर हम देखेंगे टाइगर में ई आर है पर हम यहाँ पर जब टाइग्रेस लिखते हैं तो उसे आर ई e कर देते हैं आर ई डबल एस टाइग्रेस क्वेश्चन एट फिल इन द एडजेक्टिव यहाँ पर बच्चे को इस फिलअप में करेक्ट एडजेक्टिव फिल करना है द एलिफेंट इज डैश एनिमल एलिफेंट कैसे एनिमल होता है बिग तो यहाँ पर हम बिग का यूज करेंगे बिग एनिमल अ डोजन हैज डैश थिंग्स डोजन में कितनी थिंग्स आती है ट्वेल्व नेक्स्ट है शी इज रीडिंग अ वेरी डैश स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्वेश्चन नाइन राइट द पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर मैंने सुपर लिटिव डिग्री लिखी है बच्चों को इसकी पॉजिटिव डिग्री लिखनी है मीन इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है बेस्ट बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी वो होगी गुड गुड बेटर बेस्ट इस तरह से लिस्ट लिस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है लिटल मोस्ट मोस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है much, m u c h, much, rust, rust की पॉजिटिव डिग्री होगी, bad. क्वेश्चन टेन, इन सर्कल्ड करेक्ट एडजेक्टिव फॉर ईच सेंटेंस, यहाँ पर हमें करेक्ट एडजेक्टिव को सर्कल करना. Bicycle are slower, slowest than bikes. जब भी हम देखेंगे देन का यूज होता है, तो वहाँ हम कम्पेयरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, means e और वाली फॉर्म का यूज करते हैं, slower. Bicycle are slower than bikes He is the richer, रिचेस्ट मैन इन दिटी जब भी हमारे एड्जेक्टिव से पहले द का यूज हो तो वहां पर हम सुपरलेटिग्री का यूज करते हैं तो हमारे सुपरलेटिग्री होती है जिसमें ई एस टी लगा होता है रिचेस्ट मैन इन दिटी मैंगो इज बिटेस्ट स्वीट फ्रूट अमंग ऑल द फ्रूट या मैंगो के बारे में बताया जा रहा है अमंग ऑल के बारे में बात हो रही है तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो सुपरलेटि डिग्री में ई एस टी लगा होता है इट मीन ये स्वीटेस्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ है आई एम टॉलर टॉलेस्ट देन माई सिस्टर या देन का यूज है इट मीनस या कंपेरेटिव डिग्री है कंपेरेटिव डिग्री में हम ई ER आर का यूज होता है तो हमारा आंसर आएगा आई एम टॉलर देन माई सिस्टर आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा और आप अपने बच्चों को इस तरीके से समझा पाएंगे क्वेश्चन इलेवन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स फर्स्ट है हमारा द सन डैश इन द वेस्ट तो यहाँ पर लिखेंगे हम द सन सेट्स इन द वेस्ट सेकेंड है ही इज डैश वेरी फास्ट इज है तो इसके साथ हम आई एन जी का यूज करेंगे रनिंग वेरी फास्ट थर्ड है संडे डैश बिफोर मंडे संडे कम्स बिफोर मंडे देश इट इटिंग आर है तो आर के साथ हम आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे दे आर ईटिंग क्वेश्चन थर्टीन रीराइट सेंटेंस यूजिंग द दूटेबल यहां पर हमें बट एंड बिकॉज़ सो अदरवाइज़ इस टाइप की का यूज करते हुए इस सेंटेंस को रीराइट करना है मानव इज माई कजन वरुण इज माई कजन तो यहां देख रहे हैं दोनों ही कजन है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं मानव एंड वरुण आर माई कजर तो यहाँ एंड कंजेक्शन का हमने यूज किया है सेकेंड है हमारा माय ब्रदर्स लाइक्स इंग्लिश आई लाइक जर्मन तो इसको लिखेंगे माय ब्रदर लाइक्स इंग्लिश बट आई लाइक जर्मन यहाँ पर हमने बट कंजेक्शन का यूज करा है थर्ड है हमारा माय मदर वॉक स्लोली माय मदर इज इल माय मदर वॉक्स स्लोली बिकॉज शी इज एल इस तरीके से आप बच्चों को कंजेक्शन का यूज करना सिखा सकते हैं क्वेश्चन फोर्टीन राइट द फुलॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स यहाँ पर जो भी मैंने वर्ड्स दिए हैं इसकी फुल फॉर्म लिखनी है ये शॉर्ट फॉर्म है और इसको हम फुल फॉर्म में चेंज करेंगे इसको बोलते हम आर एंट मीन्स आर not don't do not i'll i will am i am aren't are not don't do not i'll i will am i am तो इस तरीके से बच्चों को आप फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म सिखा सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप अपने बच्चों को घर पर इसी तरीके से वर्कशीट बनाकर उन्हें पढ़ाते रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो